हे गाइस, माय नेम इज़ गौरव एंड वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी जॉब वैकेंसी के बारे में जो कि अभी आउट है और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो गाइस क्लास 10th है। इट मीन्स अगर आप क्लास 10th पास है तो इस जॉब वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी अच्छी वैकेंसीज हैं और बहुत सारी वैकेंसी है। तो चलिए इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे क्या सिलेबस रहने वाला, कब आपका एग्ज़ाम होगा, कितनी फ़ी पे करनी है और कहाँ से आपको ये लिंक मिलेगा अप्लाई करने का। और फ्रेंड, अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस आप सबके लिए लेके आता रहता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड, मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि जो वैकेंसी निकली हुई है वो निकली हुई है NVS के अंदर, नवोदय विद्यालय के अंदर, जो कि नॉन टीचिंग पोस्ट है। अब स्कूल से ये मत सोचना कि ये तो टीचिंग पोस्ट है, हम अप्लाई नहीं कर सकते। गाइज, ये नॉन टीचिंग पोस्ट है, हर साल ये पोस्ट निकलती है और आप अप्लाई कर सकते हो। क्लास 10th के लिए जो वैकेंसीज हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली जो वैकेंसी है वो है मैथ्स हेल्पर की, और उसके बाद है MTS की। इट मीन्स होता है मल्टी टास्किंग स्टाफ। मल्टी टास्किंग मतलब आपको कंप्यूटर वर्क भी होता है, आपका फाइलिंग भी काम होता है, और मैथ्स हेल्पर वो होता है जो कि मैथ्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करते हैं, फूड वगैरह डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करते हैं, तो उनको हेल्प करते हैं, तो उनके लिए ये वैकेंसी है। अगर मैं आपको बताता हूँ आपकी इसके अंदर कैटेगरी वाइज कितनी कितनी वैकेंसी है, तो UR के अंदर आपकी 257 पोस्ट है, OBC के लिए 169 पोस्ट है, EWS के लिए 62 पोस्ट है, SC के लिए 94 पोस्ट है एंड ST के लिए 97 पोस्ट है। तो टोटल हुई ये 629 पोस्ट। काफ़ी अच्छी पोस्ट है, आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करूं तो वो है MTS, इट मीन मल्टी टास्किंग स्टाफ। UR के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 14 पोस्ट है, OBC के लिए 5 पोस्ट है, EWS के लिए 2 पोस्ट है, SC के लिए 1 पोस्ट है और ST के लिए 1 पोस्ट है। टोटल पोस्ट हुई 23। माना कि इसमें पोस्ट कम है लेकिन आपको तो सिर्फ एक ही चाहिए। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, एक बार ट्राई करना चाहते हो गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो अप्लाई कर सकते हो। और देखो गाइस, अभी क्या होगा कि अगर आपको फ्यूचर में आपने सोच रखा है कि हाँ मुझे आगे जाके जॉब करनी है, अभी आप चाहे ग्रेजुएशन कर रहे हो कोई इशू नहीं है, अब अप्लाई करो, एग्ज़ाम दो, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लो कि भाई किस टाइप का एग्ज़ाम आता है, कैसे वहाँ पे एग्ज़ाम प्रेजेंट होना पड़ता है, कैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं। थोड़ा सा एक्सपीरियंस आएगा तो आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आगे जाके आपको ईजिली होगा आपके कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने में। नेक्स्ट मैं आपसे बात करूँ कि इसके फॉर्म कब से कब तक आउट है, तो मैं आपको बता देता हूँ, 12th of January से लेकर 10th of February तक आउट है। तो अभी काफ़ी दिन है आपके पास, 10-12 दिन और है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। एग्ज़ाम जो होगा इसका, इसका जो एग्ज़ाम होगा, जो आप अप्लाई करोगे, जो उसका एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट CBT एग्ज़ाम होगा, वो होगा 9th of March से लेके 11th of March तक। इट मीन्स आपका जल्दी एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप प्रिपरेशन भी करना शुरू कर सकते हैं। अगर आपने सोच रखा है कि मैं जॉब लेना चाहता हूँ तो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। गाइस, स्कूल के अंदर जॉब है, बढ़िया जॉब है एकदम। और अगर मैं नेक्स्ट आपसे बात करूं कि अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको कितनी फ़ी देनी पड़ेगी पर पोस्ट के लिए, गाइज, अगर आप MTS के लिए अप्लाई करते हो, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो, अगर आप EWS से हो या फिर आप OBC कैटेगरी से हो, तो आपको फ़ी देनी होगी आपको 750। और अगर आप मैथ्स हेल्पर के लिए अप्लाई करते हो तो जो आपको फ़ी देनी होगी वो होगी 1000 रुपीज़। और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे वो SC हो, चाहे वो ST हो, चाहे फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट हो, तो उनकी फ़ी निल होगी। इट मीन्स उनको कोई फ़ी पे नहीं करनी होगी, आपको वहाँ पे कैटेगरी फिल करनी होगी और अपनी कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट होगा वो हो सकता है अपलोड करना पड़े, देन आपकी जो फ़ी है वो 0 वहाँ पे शो होगी, तो आपको कोई फ़ी पे नहीं करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ आपको अप्लाई कहाँ से करना है। अप्लाई करने के लिए टेंशन मत लो गाइस, मैं आपका भाई बैठा हूँ यहाँ पे, सब कुछ आपको करके दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने लिंक दे दिया है इसके पूरे ऑफिशियल नोटिस का, साथ ही में इसमें क्या सिलेबस आने वाला है और कहाँ से अप्लाई करना है, मैंने तीनों ही लिंक दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे जाके चेक करना, सब कुछ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और गाइस, जो इसके अंदर एज क्राइटेरिया रहने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप जनरल कैटेगरी या UR कैटेगरी, EWS कैटेगरी, किसी से भी आप बिलोंग करते हैं, जो एज क्राइटेरिया रहने वाला है वो रहने वाला है 18 से लेकर 30 ईयर्स तक। तो काफ़ी अच्छा है इसके अंदर की किसी किसी पोस्ट के अंदर 27 होता है लेकिन इसके अंदर 30 ईयर्स है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा अगर आप SC, ST या फिर OBC से बिलोंग करते हो। OBC वालों के लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन है, SC ST वालों के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट मैं आपसे बात करूँ इसके सिलेबस के बारे में, तो इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, किस तरीके से सिलेबस डिज़ाइन होगा, थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ, उसके बाद प्रिपरेशन करना आपके ऊपर है।
है। सो गाइज, अगर आप मैथ्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, मैथ्स हेल्पर के लिए, तो उसका सिलेबस रहने वाला है वो रीजनिंग के लिए आएंगे 15 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के आएंगे 15 क्वेश्चन, इंग्लिश के आएंगे 20 क्वेश्चन और फूड नॉलेज के आएंगे 70 क्वेश्चन। जैसे कि मैंने आप सबको पहले कहा था फूड डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है, तो फूड डिस्ट्रीब्यूशन का जो इसमें पार्ट रखा गया है उसके अंदर 70 क्वेश्चन आएंगे और टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे 120 मार्क्स के। सो आपका मार्च में एग्जाम है, आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आपको जो टाइम दिया जाएगा एग्जाम करने के लिए वो दिया जाएगा 2.5 आवर्स, मतलब आपको 2.5 घंटे मिलेंगे इस एग्जाम को करने के लिए। ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑफलाइन एग्जाम नहीं होगा, ये चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे बात करूँ MTS की पोस्ट के बारे में कि MTS के पोस्ट का क्या सिलेबस रहने वाला है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इंग्लिश के आएंगे 40 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस के आएंगे 20 मार्क्स और कंप्यूटर अवेयरनेस मतलब कंप्यूटर एप्लीकेशन के जो क्वेश्चन होते हैं उसके आएंगे आपके 40 मार्क्स। पहले भी मैंने आपको बोला है कि जो MTS का वर्क होगा कंप्यूटर का भी हो सकता है, फाइलिंग का भी हो सकता है। सो लैंग्वेज प्लस आपकी कंप्यूटर बहुत अच्छी होनी चाहिए इसके अंदर। टोटल आपका 100 मार्क्स का ही एग्ज़ाम डिज़ाइन होगा। तो इस तरीके से सिलेबस डिज़ाइन अगर आपका होगा, पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाने की रीजनिंग के अंदर क्या आ रहा है, जनरल अवेयरनेस के क्या आ रहा है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मुझे पता लग जाएगा कि आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए, किस चीज़ के लिए आपको हेल्प चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट करके रखा करो ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा आपकी जो भी क्वेरीज होगी उनको सॉल्व करूंगा। तो इंस्टाग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही साथ आप ट्विटर पे भी फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस हो जाए तो आप देख पाओ, क्योंकि ट्विटर पे मैं वीडियोज़ के लिंक भी डालता रहता हूँ और अपडेट भी देता रहता हूँ। तो दोनों जगह फॉलो कर लीजिए, आप ही का फायदा होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है देन हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ नए अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।